शिकोहाबाद आर्य समाज मंदिर में हुआ दहेज मुक्त विवाह। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद आर्य समाज मंदिर में रविवार को दो परिवार की सहमति से स्वजातीय वर वधु परिणय सूत्र में बंधे दहेज मुक्त विवाह का आयोजन हुआ। दोनों पक्षों के अभिभावकों ने अपनी इच्छा से आर्य समाज मंदिर में दहेज मुक्त विवाह कराने का निर्णय लिया। इलाके में ये शादी चर्चा का विषय बनी रही। आज रैना की पुलिया फिरोजाबाद निवासी विकास वर्मा व नई आबादी फिरोजाबाद की ज्योति चौहान का विवाह आर्य समाज मंदिर द्वारा सम्पन्न करवाया गया। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि दहेज मुक्त विवाह समाज में नई क्रांति लाएगी, सरकार भी इस विवाह का प्रोत्साहन कर रहे हैं। आर्य समाज मंदिर के लोगों ने धूमधाम से शादी कराकर ज्योति को ससुराल विदा कर एक मिसाल कायम की। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों की भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान श्री भगवान गुप्ता, अजीत कुमार मंत्री, रमेश शिकरवार, रत्नेश कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर गोपाल सिंह आर्य सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजकुमार शर्मा, अभी न्यूज चैनल के लिए। सदस्य हूँ, हमारे प्रधान आर्य समाज के प्रधान जी हैं श्री भगवान गुप्ता जी और अजीत कुमार जी हमारे आर्य समाज के मंत्री हैं। आज आर्य समाज मंदिर में ज्योति चौहान और विकास वर्मा की शादी हुई। भारतीय आर्य समाज पद्धति से शादी संपन्न कराई गई। यहाँ पर बिना दहेज के, बिना किसी खर्चे के गरीबों की सेवा के लिए हम सब व्यवस्था करते हैं। आर्य समाज हमेशा से गरीबों की सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ पर गरीबों की व्यवस्था में सरकार की मंशा और समाज की मंशा यही है कि गरीबों का जितना भी सहयोग हो सके वो सब हम लोग कर देना चाहिए। कल्याणम करोति, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। यदि आपको है सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, टीवी देखते समय वॉल्यूम को ऊंचा करके सुनना, कानों में सीटी बजने सी आवाजें आना, अक्सर एक ही बात को दोहराने का आग्रह करना, ऐसी समस्या है तो आप श्रवण जांच केंद्र पर आएं, जिसमें सभी प्रकार की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध है। आज ही आए कल्याणम करोति सरस्वती कुंड के पास मथुरा।